या जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, उनसे पूछता हूँ कि आपका विजन, आपका माइंडसेट क्या है, आप यहाँ कॉलेज से निकलने के बाद आप क्या करने वाले हैं? तो बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो पाती है, करना है, कंफ्यूजन है। तो आपको इस कंफ्यूजन को इस फाइनल ईयर में ही मिटाना है। अगर आपको कम्युनिटी की सेवा करनी है तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल को समझना होगा। इंडस्ट्री जाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल नीड को समझना होगा कि प्रेजेंट में इंडस्ट्री की क्या नीड्स है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेव अप करना है। अगर आप उसको सेव अप करने में कामयाब कर दें और अगर आप तय कर लेंगे तो हमारा जो शिक्षक समाज है बाद में सीखा। और जब हमने उनसे रूट पूछा कि सर क्या आपका रूट हमारे गोरखपुर इधर महाराजगंज नौतनवा की तरफ भी होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो लखनऊ से रायबरेली होकर के बीएचयू चले जाएंगे। तो हमें लगा ये बेड तो पूरा छूट ही जाएगा हमारा। तो फिर हमने कहा कि नहीं, गोरखपुर वाले बेड से तो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ और मैं साहू सर का, मैडम का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कॉलेज जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं गोरखपुर बेड का, तो राजीव गांधी से पहले यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेंगे। तो बस आशा और उम्मीद इतनी है कि आप लोग जो भी चीजें हैं, लगता है ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स, जिंदगी में सबके प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा है नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और जब सारी प्रॉब्लम लगता है आप जीत गए, शादी हुई तो भी प्रॉब्लम हो गई, वाइफ से प्रॉब्लम हो जाती लोगों को कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो सबको रहे, तो ऐसे भी मान के चलो प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और प्रॉब्लम ही लाइफ में तो लाइफ का क्या मतलब, लेकिन जो रियल फाइटर्स होते हैं वो ही प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और हर उस चैलेंज को जीत करके दिखाते हैं और अपने आप में उनको लगता है कि यस आई एम द विनर। और ऐसा नहीं कि एक बड़ी रेस जीत जाएंगे, आप हर दिन आपको जीतना है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको किसी से बेटर नहीं बनना है। ये मत सोचो कि नहीं मेरी क्लास का एक लड़का थे या मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे इनसे आगे बढ़ना है। आपको अपनी रेस अपने आप से लगाओ, अपनी रेस अपने आप से लगाओ कि जो कल थे उससे आज हम बेटर होंगे। कल जितने अच्छे थे उससे और अच्छे बनेंगे। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, कंपटीशन खत्म। और आपका कंपटीशन किससे होगा? अपने आप से। और जिस दिन अपने आप से आप कंपटीशन लेने लगेंगे उस दिन कोई आपको हरा नहीं पाएगा। और ये जो मैंने साहू सर का, मैडम का, इन लोगों का आशीर्वाद सदैव रहा है और ये हम लोग गर्व के गर्व का विषय है कि ऐसे लोग हम लोगों को भी समय समय से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे टीचर्स आपको मिले हुए हैं। मैं छात्रों का जोरदार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि सर का मार्गदर्शन है, मोटिवेशन है कि मैं शायद ये जो कदम बढ़ाया हूँ ये बढ़ा पाया। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू सर। कि अच्छा करना है, बढ़िया करना है, आप बहुत बढ़िया प्रोफेशन में, यू आर इन द नॉबल प्रोफेशन। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहां पर आप लोगों के दुख दर्द को मिटाते हैं। आप, मैंने बताया कि जब सबके दरवाजे बंद हो गए थे, आपको भी याद होगा कोरोना की महामारी पैंडेमिक में जब सभी लोगों ने अपने गेट बंद कर लिए थे, यहां तक कि अपनों ने, यहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड ने भी फोन उठाना छोड़ दिया होगा कि कोरोना है रहने दो भाई। उस समय भी अगर किसी का दरवाजा खुला था तो किसका? फार्मासिस्ट का था। तो आप समझ सकते हो फार्मासिस्ट की क्या वैल्यू है। ये बात अलग है कि अभी इंडिया के हम जो पैरेडियम देखते हैं वहां पर प्रधानमंत्री जी ने या किसी ने संबोधन नहीं किया कि फार्मासिस्ट भी कोई चीज है। तो लगा कि नहीं, हमें बताना पड़ेगा कि हम हैं, हमें बताना पड़ेगा कि हम हैं इस धरती पर। भाई बहन उनका रेस्पेक्ट कीजिए और आपके जो गुरु जन हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जब हम गर्भ में आते हैं, स्पर्म ओवा से जायगोट से यात्रा शुरू करते हुए और हम पैदा होते हैं, कितनी लड़ाई लड़ते हैं, कितनी लड़ाई लड़ के हम यहाँ पैदा होते हैं इस धरती पर, पढ़े ना आप, बहुत सी लड़ाई लड़ने के बाद फिर हम पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद भी इंसान तभी बनेंगे जब उसमें मोरल वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। और बिना मोरल वैल्यूज वाला इंसान क्या होगा? वो तो एनिमल है ना। तो हमको इंसान बनना है। तो इंसान बनने की पाठशाला में आप लोग हैं। एक अच्छा इंसान बनिए और एक अच्छा फार्मासिस्ट बनिए, अपने कंट्री की सेवा कीजिए।
थैंक यू।